मैं जनपद वासियों की सेवा का मौका मिला है, मैं इस कसौटी पर खड़ा उतर सकूं, आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहेगा। महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज आप जनपद को कुछ सौगात जरूर प्रदान करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं टिहरी जनपद की सामान्य जनता एवं भाजपा परिवार की ओर से आपकी यश कीर्ति में उत्तरोत्तर श्री वृद्धि की कामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप आमंत्रित करना चाहूंगी श्री किशोर उपाध्याय जी को। माननीय विधायक टीवी एक बार जोरदार तालियों की गर्दगरी के साथ स्वागत करेंगे श्री किशोर उपाध्याय जी। जरा जो एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वीर माधव सिंह भंडारी, जरा जोर से बोल लो भाई, वीर माधव सिंह भंडारी, वीर गबर सिंह, सिद्धेश सुमन, नरेंद्र मोदी। अब प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी चीजें दे दी हैं और तब भी अगर टीरी की नई टीम तक आवाज न जाए तो कोई फायदा तो है नहीं। तो एक बार जोर से नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, पुष्कर धामी। जरा एक बार जोर से बोलो, मुख्यमंत्री जी खुश हो जाएंगे। जरा कुछ ज्यादा दे देंगे, हम लोगों को इतना सब कुछ दे दिया है। जरा जोर से बोलो, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। टिहरी की जनता, टिहरी की जनता, आज ऐतिहासिक और ऐतिहासिक धार्मिक भी, ये त्रिहरी मां गंगा की जन्मभूमि। और आज देखिए कितना हमारा सौभाग्य का विषय है कि गंगा ने भी एक ही जगह जो है जन्म लिया और भगवान ब्रह्मा का भी एक ही जगह मंदिर है पूरे कि गंगा ने भी एक ही जगह जो है जन्म लिया और भगवान ब्रह्मा का भी एक ही जगह मंदिर है पूरे विश्व में, पुष्कर में। और उसी नाम के अनुरूप पूरे देश में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी का मैं यहाँ पर आप सब की तरफ से अंतर मन से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ में बैठे हुए अभी मेरे भाई मुलायम भाई, ये बहुत मुलायम है, हर चीज मुलायम तरीके से सब काम आपके निकलवा लेते हैं। कह रहे थे भाई साहब सबके नाम मत लेना, लग जाएगा। तो अगर आप बोलो है भाई विनोद भाई से लेकर के प्रीतम भाई से लेकर के शक्ति जी से लेकर के राजेश जी से लेकर के और हमारे संरक्षक प्रेम जी से लेकर के जितने हमारे मंच पर उपस्थित सभी लोग हैं और उससे अधिक जो सबसे महत्वपूर्ण है जो सामने बैठे हुए हैं, देखो क्योंकि वहां से लेकर के जो हमारी बहनें बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, आपके आशीर्वाद से उसका जी और हम सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सबसे बड़ी भूमिका आपकी है, मैं आपको चरणों में बहुत बहुत, और वैसे भी किशोर हूँ तो मेरा फर्ज बनता है आपके श्री चरणों में मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पर जैसे अभी मेरे और भी साथियों ने अपनी बात रखनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश में बहुत अल्प समय में जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, आपने जो नए नए प्रयोगधर्मी काम किए और वो हिम्मत के काम है, तब चाहे वो नकल विरोधी काम है, तब चाहे आपने धार्मिक क्षेत्र के जो समान नागरिकता वाला यहां से गंगा प्रसूता धरती से जो शुभारंभ किया है, तब चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है और निश्चित रूप से
ये टिहरी की जनता के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप कोई बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे सुन मिली उसके बारे में।